अब तक आपने देखा, विन को पता चलता है कि उसकी शादी रिद्धि से हुई थी और रिद्धि और कोई नहीं बल्कि उसकी बचपन की दोस्त सिद्धि जोशी है। कबीर मंजरी के आदेश पर रिद्धि पर जानलेवा हमला करता है। विन रिद्धि को अस्पताल लेके जाता है और रिद्धि की इस हालत का गुनहगार शिवम को मानता है। शिवम को पता चल जाता है कि मंजरी ने ही रिद्धि पर जानलेवा हमला करवाया था। मंजरी शिवम और जूही को किडनैप करवा लेती है और मंजरी शिवम को ब्लैकमेल करते हुए विन के लिए एक वीडियो भिजवाती है। शिवम जैसे ही विन को मंजरी का सच बताने वाला होता है, मंजरी उस पर गोली चला देती है। मिस्टर सेन को गोली किसने मारी मिस्टर कुंद्रा? मैंने मारा है शिवम को। सिद्धि, लगता है उस हादसे की वजह से अभी आवाज खो चुकी है। मुझे सब पता चल गया कि तू रिद्धि नहीं, तू हमारी छोटी वाली सिद्धि है। अब आगे फेनू, तुम अपने पापा जी से इसलिए नाराज थे ना क्योंकि तुम्हें ये लगता था कि वो मेरी मौत के जिम्मेदार है, लेकिन अब तो तुम्हारी सिद्धि जिंदा है, तो फिर अब किस बात की नाराजगी? क्या बोला तूने? एक बार और पापा जी। खुश कर देता बेटा, पापा जी सुनने के लिए मेरा मन तरस गया था बेटा। अब चिंता नहीं करना, तेरा पापा जी आ गया है। याद रहा पिछली बार तुझे कैसे ऐसे निकाला था बाहर मैंने, इस बार भी मैं फट से तुझे बाहर निकालूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैं सिद्धि और अपने अपने विनायक को ज्यादा दिन दूर नहीं रहने दूंगा, ये तेरे पापा जी का वादा है, देखना तू। वो सब तो ठीक है पापा जी, लेकिन शिवम की जान मैंने ली है, उसके मर्डर का इल्जाम है मुझ पे और मुझे इतनी जल्दी बेल नहीं मिलेगी। ये विनू को आखिर हो क्या गया है? अपने आप को बचाने के बजाय अपने गुनाह इतनी आसानी से कबूल क्यों कर रहा है? क्यों एक बार भी अपने बचाव में कुछ बोल नहीं रहा है? कुंद्रा साहब, हमें वहाँ दीवार पर गोलियों के निशान मिले हैं, एक जैकेट भी थी जिस पर बॉम्ब लगा हुआ था। हो ना हो वहाँ शिवम, विन, जूही और मिसेस कुंद्रा के अलावा वहाँ कोई और भी था। क्यों विन, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये सब कुछ मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि शिवम को गोली मैंने मारी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ हमसे छुपाया जा रहा है। मैं तो सिद्धि, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? शिवम की जान मैंने ली है, मैंने उसे गोली मारी है, या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूँ कि किसी और का इल्जाम अपने सिर पे ले लूंगा? इंस्पेक्टर साहब, शिवम की जान मैंने ली है। तो चुप चुप। मुझे आपसे इस केस के सिलसिले में कुछ बात करनी है, चले जरा। चलो चलते हैं, आइए। चाचा जी उधर से नहीं, वहाँ पूरे मीडिया और न्यूज वाले आए हुए हैं, विन की गिरफ्तारी हर न्यूज चैनल के हर अखबार के सुर्खियों में, तो मेरा मानना है कि आप वहाँ से जाइए। ओके, आइए। जूही बेबी, कुछ तो खा लो ना, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पता है अगर आप खाना नहीं खाओगे ना तो हमें सिद्धि मैडम से डांट खानी होगी। कौन खाना नहीं खा रहा है? कि रीमा कहाँ चली गई?
रीमा रीमा बच्ची का जरा ध्यान देना, इससे कुछ नहीं होने वाला। हम्म, जी जूही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बैठो। आज ना हमारी बेबी अपनी नई दादी के हाथ से खाना खाएगी, ठीक है? लाओ खाना लाओ। अब हमारी प्यारी सी गुड़िया खाना खाएगी। हम्म, आ करो, चलो आ करो। अच्छा ये बताओ, हमारी इस प्यारी सी बेबी डॉल को ये नया पिंजरा, मेरा मतलब है ये नया घर कैसा लगा? चलो आज ये प्यारी सी गुड़िया अपनी नई दादी के हाथ से इस घर में पहला निवाला खाएगी, है ना? चलो आ करो आ करो, चलो खा लो। अरे ऐसे कैसे चलेगा? वो देखो, वो टेडी बेयर। अब खा लो, लो खाओ। ऐसे नहीं करते हैं। खा ले, खा। तो हमारी गुड़िया को रंगों का सामान मिलने वाला है। पेंटिंग पसंद है ना आपको? चलो खाओ। हाँ। रीमा जी, इसका मुंह धुला देना, ठीक है? और बच्ची पर ध्यान रखना। जी। तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मैं तुम्हें, सारी गलती मेरी है सिद्धि। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, गुस्से में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तुम्हें याद है बचपन में मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन देखो मैंने तुम्हें अकेला कर दिया। हमेशा मेरी गलतियों के कारण तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा है सिद्धि। चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा सिद्धि। आज मैं बहुत खुश हूं सिद्धि, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। चाहे हम मिल ना सके, लेकिन तुम मेरे पास हो ना, तो ये एहसास ही मेरे लिए काफी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र।
सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। वीनू, मेरा सच जानना बहुत जरूरी है। तुम मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ वीनू जो तुमने शिवम की जान ले ली। मैंने बोला ना शिवम को मैंने ही मारा है। ये सब छोड़ो और ये बताओ कि जूही कैसी है। जूही मेरे साथ है और वो ठीक है। शॉक की वजह से उसकी आवाज चली गई है, लेकिन दादी कह रही है कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। क्या तुम अभी सच बता सकते हो? अगर मैं शिवम को नहीं मारता तो वो मुझे जान से मार देता। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वीनू, जब मैं वहां पर पहुंची थी तो तुम्हारे पास जूही थी और एक हाथ में बंदूक थी, तो क्या जूही ने तुम्हें गोली मारते हुए देखा था? हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जूही उस वक्त वहीं थी जब माँ ने शिवम पर गोली चलाई थी। कहीं उसने सबको सच बता दिया तो? वीनू जवाब दो, क्या जूही ने तुम्हें शिवम को गोली मारते हुए देखा था? पर जूही वहां पर कैसे पहुंचे? उसे तो किसी ने अगवा कर लिया था। वीनू, क्या वहां पर कोई और भी था? कौन हो तुम? अगवा मतलब जूही को कोई किडनैप करके वहां लाया था, लेकिन कौन? हाँ वीनू बताओ, कोई और भी था? कोई था या नहीं था या जूही वहां कैसे पहुंची मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि शिवम की जान मैंने ली है, मैंने उसे मारा है। हवलदार साहब, मुझे लगता है मिलने का वक्त खत्म हो चुका है अभी। चलिए मैडम। मैं तुम्हारे आंखों में छुपा सच पढ़ सकती हूँ। कुछ तो हुआ है वहां जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो। अब इसकी वजह क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन पता जरूर लगा के रहूंगी। बस एक बार जो ही ठीक हो जाए।
अरे मेरी ब्रेव गर्ल क्या कर रही थी? हाँ, आप ड्राइंग कर रहे थे? चलो मिष्टी को दिखाओ आपने क्या बनाया है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ दादी, हाँ अब थोड़ी सी ठीक है जी दादी, मैं हूँ उसके साथ। गूंगी मैडम तो बहुत चालू निकली, अगर इस पेंटिंग पे सिद्धि की नजर पड़ गई ना तो सबको पता चल जाएगा कि शिवम को विनायक ने नहीं मैंने मारा है। एक मिनट हाँ दादी, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, मैं आपको कॉल करती हूँ। बेन, सच्चाई ये है कि सबके पीछे क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। उसे देखना, वो देख कितनी घबराई हुई है। अच्छे आ जाओ। जूही क्या हुआ बेटा, आप इतना डर क्यों रहे हो? लगता है जूही वो लाल रंग देखकर डर गई है। आ जाओ यहाँ। मुझे लगता है ना इसे सुला दो तभी ये शांत होगी, है ना? हाँ। जूही आप मेरी ब्रेव वाली गर्ल हो ना, क्या हो गया आपको? हाँ आपकी मिश्ती है ना आपके साथ, डरने वाली क्या बात है? अच्छा मैं आपको सलाह देती हूँ। ग्लोरी पसंद है? चलो ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ग्लोरी सुनाती हूँ। चलो मेरा काम तो हो गया, कम से कम मैंने ये पेंटिंग तो खराब कर दी, वरना आज तो मेरा सारा कच्चा चिट्ठा खुल ही जाता।
जूही की पेंटिंग। ऐसा क्या बनाया था उसने इस पेंटिंग में? कुछ तो है इस पेंटिंग में, लेकिन क्या?